स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मायसेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पहली बार हॉल वीडियो के साथ आई हूँ। इसके पहले मैं कभी भी अपना हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। मैंने पर्पल से गुड वाइब्स का और बायोटिक का बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदा है स्किन केयर के लिए, क्यों सब प्रोडक्ट 300 के अंदर ही है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो ये है मेरा बॉक्स जो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है, पहले ही ओपन कर लिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोगों के पास आता है हम लोग जब तक ना देखे दिल को सुकून नहीं मिलता, इसलिए मैंने पहले से इसे ओपन कर लिया है, मैंने देख लिया है। और एक दो चीज़ मैंने एक बार दो बार यूज़ भी कर लिया है, तो सबका रिव्यू दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो आता है मेरे हाथ में वही दिखाती हूँ। ये देखो, ये है गुड वाइब्स का एवोकाडो जेल। हाँ, यहाँ से सही है, गुड वाइब्स का एवोकाडो जेल। और इसका प्राइस यहाँ पे दिया है 175, पर मुझे जब आप पर्पल से शॉपिंग करते हो ना तो आपको डिस्काउंट ऑटोमेटिकली दे देते वो लोग, और वहाँ पे बहुत सारा डिस्काउंट चलता है, तो शायद ही मैंने ये 150 में लिया है। तो ये है ऐसा, इसका टेक्सचर दिखा दूँ मैं, बहुत ही अच्छा जेल है ये, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारा जेल गुड वाइब्स का ट्राई किया है, ऑरेंज जेल मेरा फेवरेट था, मैंने इस टाइम एवोकाडो जेल लिया है। और समर के टाइम में मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जेल बेस हो तो बात ही नहीं है। तो ये मैंने एक लिया है एवोकाडो जेल, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कर सकते हो इसे। और मैंने लिया है रोज़िप का स्किन वाइटनिंग फेस मास्क, ये है, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, इसके अंदर 110 ग्राम है इसमें, बहुत ही ज़्यादा है, यही मेरा सबसे ज़्यादा महंगा है शायद इनमें से मैंने जितना चीज़ लिया है, क्योंकि इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसका प्रिंट जो है 335 है, पर जब आप परचेस करोगे तो ये आप लोगों को 300 में मिल जाएगा। ये है गुड वाइब्स का रोज़िप फेस मास्क, ये जो रोज़िप फेस पैक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, और बहुत ही कम प्राइस में मिलता है और इतना क्वांटिटी का, समझ रहे हो। तो ये दोनों मैंने दिखा दिया। एक मैंने ये लिया है बायोटिक का, लिया था बायोटिक का बायोफ्रूट वाइटनिंग टैन रिमूवल फेस पैक, पर मैं इसे 5 में 1 दूंगी। मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग जब परचेस करते हो आप लोगों का पैसा अगर बर्बाद हो जाए वो मैं नहीं चाहती, इसीलिए मैं पहले यूज़ करके आप लोगों को तभी रिव्यू देती हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोमोशन वीडियो नहीं है। अगर मैं कभी भी प्रोमोशन भी करूँगी तब भी अगर वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आप लोगों को क्लियरली बोल दूँगी, क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया, यहाँ पे लिखा है ऑल स्किन टाइप्स, और मेरा स्किन नॉर्मल है, मुझे अभी फ़िलहाल समर के टाइम में कुकिंग वगैरह करती हूँ इसीलिए थोड़ा बहुत एक्नी आ गया है, थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो गया था, तो अभी वो कम हो गया है। पर ट्रस्ट मी गाइस, मैं जब इसे यूज़ कर रही थी ना, मैं इसे 2 टाइम यूज़ करके आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरा ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा जलता है, बहुत ही ज़्यादा बर्न होता है, मतलब बर्न सेंसेशन जैसा होता है ना वैसा ही होता है, पूरा जलने लगता है यहाँ पूरा, मुझे इसे रिमूव कर देना पड़ा, ये इतना जलन फील हो रहा था मुझे। तो पता नहीं, मेरा तो सेंसिटिव स्किन है नहीं, पर ये लगाते ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी, मेरा अगर हो सकता है तो, अगर आप लोगों का भी हो सकता है तो। इसका प्राइस उतना ज़्यादा है नहीं, 140 है, तब भी 140 भी काफ़ी है, 140 में और भी अच्छा अच्छा मास्क आ जाता है, जैसे गुड वाइब्स का बहुत अच्छा फेस पैक है। तो आप लोग, मैंने लिया है इसीलिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, पर ये मत खरीदना, ये अच्छा नहीं है। तो ये एक था मेरा, 140 रुपीस एकदम पानी में चला गया, क्योंकि मैं इसे लगाने वाली नहीं हूँ। और मैंने लिया है ये रूप मंत्रा का फेस पैक,
रूप मंत्रा का नाम सुनते ही ना टीवी में जब देखती थी मुझे बहुत अच्छा लगा, रूप मंत्रा सुनते ही लगता है कि मेरा रूप निखर जाएगा एकदम से। तो मैंने इसे इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे लेने का बहुत मन था कि ये कैसा है, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ओनली 87 है, और मुझे डिस्काउंट में 80 में मिला है, 7 रुपीज़ कंसेसन है इसमें, मुझे 80 रुपीज़ में मिला है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हल्दी चंदन फेस पैक है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो, जो टीनेजर्स है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि घर से पैसा ज़्यादा नहीं मिलता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। ये भी टैन क्लियर कर, रिमूविंग डेड स्किन सेल्स, तो टैन भी क्लियर होता है इसे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, ओनली 80 रुपीज़। और मैंने लिया है बायोटिका ये स्क्रब, ये है बायो मॉर्निंग नेक्टर स्क्रब। मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने सुना है, मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक, ऑल स्किन टाइप्स है, तो मैंने इसका बिग फाइल ही ले लिया है। कितना ग्राम का है ये 150 ml का है, तो मैं इसे ट्राई करके कभी अपना स्किन केयर या तो मेकअप वीडियो में आप लोगों को बोल दूंगी कि ये कैसा है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। अभी देखो ये पूरा पैक है, मैंने इसे खोला भी नहीं है, तो इसका प्राइस भी बहुत ही कम है, 150 रुपीज़ है, 150 रुपीज़ में इतना बड़ा पैक मिलता है तो सोचो। तो मैं इसे, आप लोग मुझे अगर इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आप लोग देखना कि मैं इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यू देती रहती हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो कैसा है कि नहीं है। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो और DM कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को पर्सनली बता दूँगी, और इंस्टा पे मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी अपलोड करती हूँ तो वहाँ पे मैं इसका रिव्यू दे दूँगी। पर YouTube पे भी मैं अपना कोई भी एक स्किन केयर या तो मेकअप वीडियो में बता दूँगी इसके बारे में, ठीक है। पर ये क्वाइट अफोर्डेबल है तो इसीलिए मैंने इसे ट्राई करने के लिए लिया है। मैंने और एक स्क्रब लिया है बायोटिक का, कहाँ गया ये वाला, ये छोटू सा फाइल लिया है मैंने, ये बायोटिक का बायो पपाया है, और पपाया जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है, टैन रिमूव करता है, और ये भी ऑल स्किन टाइप है। बायोटिक का कोई भी प्रोडक्ट लेती हूँ ऑल स्किन टाइप ही लिखा रहता है, पर ये टैन रिमूव करता है, टैन रिमूवल स्क्रब है। मैंने इसे यूज़ भी किया है, 2-3 times यूज़ किया है, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा पर अच्छा है। और ये छोटा फाइल मैंने लिया था, यहाँ पे 75 रुपीज़ है, पर मैंने शायद 65 में लिया था 10 रुपीज़ कम करके, तो अब ले लिया है, यूज़ करना है, अच्छा है। आप लोग अगर टीनेजर्स हो, कम प्राइस में कोई भी स्क्रबर चाहिए तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कर सकते हो, और टैन रिमूव भी करता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अभी भी है प्रोडक्ट, वाह रिया कितना ज़्यादा प्रोडक्ट है तुम्हारे पास, अच्छा लगता है ना स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदना। तो मैंने लिया है ये एक, ये लिया नहीं है, ये मुझे गिफ्ट मिला है, क्योंकि मैंने इतना सारा परचेज़ किया था तो मुझे ये गिफ्ट मिला था, ये वैनिला जेल है, ये भी मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है, मैं बता नहीं सकती, और ये भी पैक है, खोल के देखती हूँ हाँ इसका टेक्स्चर कैसा है, रुको जरा, वाओ इसका कलर बहुत अच्छा है, देखो देखो ऐसा थोड़ा सा पिंकिश शेड है, और ये भी जेल बेस है, तो समर के टाइम में जेल बेस कोई भी मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, और ये वैनिला फ्लेवर में है, मेरे पास बहुत सारा फ्लेवर हो गया है ये सब का, और ये सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, गुड वाइब का प्रोडक्ट और गुड वाइब्स का प्रोडक्ट। मैं कोई प्रोमोशंस नहीं कर रही, मैं अपने खुद के पैसे से मैंने ये परचेस किया है, और मैं खुद का अपना 100% ट्रू रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे इससे कुछ मिलने नहीं वाला है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो गुड वाइब्स का प्रोडक्ट है, मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी अफोर्डेबल है तो सही है।
जो मैंने फिर लिया है बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर, जिसका स्क्रब मैंने दिखाया उसका ये मॉइस्चराइज़र है। और मैंने बहुत सारे ब्लॉगर को, ब्यूटी ब्लॉगर को देखा है ये यूज़ करते हुए और सुना है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी आता है। ऐसा बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है और इसका प्राइस है 199,200, पर ये भी मुझे ऑफ़र में मिला है तो बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं मिला है, शायद 180 में मिला है और बहुत ही अच्छा है मैंने सुना है। तो अब मुझे इसे यूज़ करके देखना है। ये स्किन लाइट करता है, ब्राइट करता है, लाइनलेस मतलब रिंकल्स वगैरह हटाता है। तो अभी इसे मैं यूज़ करके तभी देखूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कैसा है। मैं कोई भी, ये तो मॉइस्चराइज़र है, मैं अपने कोई भी मेकअप वीडियो में इसे आप लोगों के साथ शेयर करके दिखा सकती हूँ लगा के। और मैं इसे तो कल से लगाना चालू कर दूँगी क्योंकि ये आज ही आया है प्रोडक्ट, तो मैं इसे यूज़ करके आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसा है। और काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत सादा प्रोडक्ट मिलता है तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये भी ऑल स्किन टाइप्स है, बायोटिक ऑल स्किन टाइप्स। अभी है इसके अंदर मैंने लिया है ये एरोमा मैजिक का एक फेस वॉश है, जो एक्टिवेटेड बाम्बू चारकोल फेस वॉश है। 100 ml का है ये। मैं कोई भी फेस वॉश नहीं यूज़ करती दूसरा, मैं बस लैक्मी एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस का ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ। पर फर्स्ट टाइम मैंने ये चारकोल फेस वॉश लिया है क्योंकि मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसका प्राइस भी है 210। तो मैंने सोचा कि ले लूँ, देखती हूँ ट्राई करके। अभी समर का टाइम है और चारकोल बहुत अच्छा है फेस के लिए, तो मैंने इसे एक बार भी यूज़ नहीं किया। आज जब मेकअप रिमूव करूँगी तब यूज़ करूँगी, तो मैं इसका रिव्यू भी बाद में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जल्दी जल्दी इंस्टा पे फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादा स्टोरी अपलोड करती हूँ। ये एक लिया है मैंने टोनर, रोज़हिप टोनर है ये गुड वाइब्स का। मैं रोज़हिप टोनर ही पहले से यूज़ करती आई हूँ, मेरा वो ख़त्म होने वाला है तो मैंने इसलिए फिर से इसे ऑर्डर किया है। और ये इसका प्राइस है 175, पर 150 में आप लोगों को मिल जाएगा गुड वाइब्स का ये प्रोडक्ट। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर है, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ करता है ये। और एक टोनर मैंने लिया है वो है ये गुड वाइब्स का टी ट्री स्किन क्लींजिंग टोनर, क्योंकि मैंने ये लिया था क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा एक्नी स्कर्स का प्रॉब्लम हो रहा है, फंगस इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि मैं इतना मेकअप करती हूँ ना इसलिए, और समर के टाइम कुकिंग वगैरह होता है। तो मैंने ग्रीन टी का क्रीम और उसके ये ट्री ट्री टोनर भी लिया है। ग्रीन ट्री वाला मुझे फ्री मिला था, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये क्लींजिंग टोनर है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और जिनका ऑयली स्किन है, एक्नी आता है, पिंपल्स आता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर है। तो आप दोनों में से कोई भी एक परचेस करते हो, अगर ऑयली और एक्नी वाला है तो ये यूज़ कर लो, अगर नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है तो ये यूज़ कर सकते हो रोज़हिप वाला। तो मेरे पास ये दो है। और क्या है, अभी भी है, और एक है ए वाटरमेलन जेल, जो बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है मेरा। वाटरमेलन खाने में भी बहुत अच्छा है, उसमें जितना पानी रहता है हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, खाने से ही दिल को ठंडक मिल जाता है। वैसे वाटरमेलन जेल भी है, हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है, बहुत 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 अच्छा है। इसमें वाटर का क्वांटिटी बहुत हाई होता है जो हमारे स्किन का पीएच लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो आप लोग इसे मस्ट एक बार ट्राई करना वाटरमेलन जेल को। और इसका प्राइस भी वही सेम है मैंने आप लोगों को जितना बोला था, 215 है, पर आपको ये 200 में मिल जाएगा, तो आप लोग इसे एक बार देख सकते हो। और मैंने लिया है ये विटामिन सी सीरम, ये एक लिया है मैंने विटामिन सी सीरम। इसका नाम क्या है, विट साइट्रस, ये है विट साइट्रस का, पता नहीं ये कंपनी का नाम, मैंने ये पहले ही मैं परचेस कर रही हूँ, विट साइट्रस का है, मतलब विटामिन साइट्रस होगा शायद। इसमें विटामिन सी और विटामिन B3 है, तो स्किन ग्लो सीरम है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इसे लिया है,
पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई करूँगी। और बाकी अब प्रोडक्ट लेने जाऊँगी ना विटामिन सी का, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है विटामिन सी सीरम, और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसका प्राइस 200 के करीब था, तो मैंने सोचा लेके देख ही लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सीरम यूज़ करती हूँ, सीरम मुझे बहुत पसंद है। हाँ, 200 का है ये, पूरा 200 ही पड़ा है मुझे, तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार से ट्राई कर सकते हो। और मैंने लिया है एक बायोटिक का आई जेल, रात में जाग जाग के एडिट करते करते मेरा अंडर आईज़ में डार्क सर्कल्स हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये छोटू सा ये पैकेजिंग में आता है, कितना क्यूट लग रहा है ना ये डब्बा, तो मैंने ये लिया है बायोटिक का आई जेल। और इसका प्राइस है 199, ये भी शायद 180 में मिला है मुझे, छोटू सा है, क्यूट सा है, मैं इसे भी एक बार भी ट्राई नहीं की हूँ, ट्राई करके आप लोगों को बताऊँगी कैसा है। आप लोग वीडियो में देख ही लोगे कि डार्क सर्कल्स कम हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो, अगर हुआ तो बहुत अच्छा है 200 रुपीज़ में, तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो इतना सब लिया था मैंने, इसलिए मुझे गिफ्ट प्रोडक्ट भी मिला जो मैंने दिखाया आप लोगों को, वैनिला जेल, ये तो एवोकाडो है, ये वैनिला जेल मुझे फ्री में मिला है, और ग्रीन टी का ये दो फेस क्रीम, तीन मिला था, मैंने एक आप लोगों को दिखा दिया शायद वीडियो में, ये पूरा नया है, और ये है एलोवेरा जेल, तीनों पैकेजिंग मिला है, ये तीनों मिला है, और ये वैनिला जेल है। तो इतना प्रोडक्ट लेने के साथ साथ इतना गिफ्ट तो बनता ही है ना, तो मैंने ये सब प्रोडक्ट लिया है और आपको दिखा दिया कि इनका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हो, 200-300 के अंदर ही है सब प्रोडक्ट, तो आप लोग पर्पल में जाके इसे बाई कर सकते हो, गुड वाइब्स का प्रोडक्ट और बायोटिक का, और जो जो मैंने दिखाया, मैं सब प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लेना, जो अच्छा लगे वहां से बाई कर सकते हो। और आप लोग और क्या वीडियो देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट करके बताना, तो और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो फटाफट से जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना एकदम मत भूलना, और क्या बोलूँ, और मुझे जल्दी से जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो, मेरा स्टोरी देखो, मेरा अच्छा अच्छा फोटोज़ देखो, वीडियोज़ देखो। सो गाइज, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा।